नमस्कार किसान भाइयों भाइयों, आज हम देखिए एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए कि ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है कि उनकी नर्सरी जो है जमने के बाद पीली पड़ने लगती है और यह आम समस्या है। बहुत लोगों को दिक्कत आती है। देखिए हमारे भी खेत में ऐसी दिक्कत आई है। ये नर्सरी अभी 6-7 दिन की जमी हुई है और देखिए इसमें पीलापन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आज हम इसके बारे में कम से कम खर्च में किसान कैसे पीलापन दूर करे, कैसे अपनी बस जो पौधे उसको हेल्दी बनाए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए हम जल्दी से आपको बताते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं। देखिए ये है यूरिया। आपको कहीं कुछ बाहर लेने जाना नहीं पड़ेगा, कहीं दूर से, मतलब ऐसी कोई चीज़ हम नहीं बताने वाले जो आपको ना मिले। ये देखिए यूरिया है, ये यूरिया। इसमें देखिए ये हमने ढक्कन ले ली है, इसमें तोलना ना पड़े इसके लिए हमने ये ढक्कन लिया है। थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम का हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हमको यूरिया लेनी है 75 ग्राम। हम ये आधी टंकी के लिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी नर्सरी थोड़ा कम है। अगर आपकी एक टंकी लग जाएगा पानी, अगर आपकी नर्सरी ज़्यादा है एक टंकी पानी से होगा, तो आप 150 ग्राम यूरिया लीजिएगा एक टंकी के लिए। उस हिसाब से आप जितनी भी टंकी आपको लगे उस हिसाब से ही बनाइएगा आप। एक टंकी में 150 ग्राम यूरिया, तो हम आधी टंकी के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें 75 ग्राम यूरिया ले रहे हैं। और यूरिया लेने के बाद दूसरा जो अपना इंग्रेडिएंट लगेगा वो है देखिए चिलेटेड जिंक। ये कहीं भी दुकान से आप ले लीजिएगा, कोई भी दुकान से कोई भी कंपनी का हो, चिलेटेड जिंक जो होता है 33% वाला वही होना चाहिए। और इसका हमें ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, इसको 20 से 25 ग्राम एक टंकी के लिए लेना है। तो हम आधी टंकी बना रहे हैं इसलिए हम 10-12 ग्राम ही लेंगे, 10 से 12 ग्राम पर्याप्त रहेगी आधी टंकी के लिए। तो देखिए इसको हम ले लेते हैं और इसको भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए ये हमने ले लिया है और इसको हम इसी में डाल देते हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया दूसरा इंग्रेडिएंट। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो देखिए ये है चूना, बुझा हुआ चूना जो होता है, जो दीवार वार पुताई के में काम आता है, वही चूना है ये। तो इससे नर्सरी की कैल्शियम की जो कमी है वही पूरी हो जाएगी बिल्कुल। और इसको हमको लेना है 35 से 40 ग्राम आधी टंकी के लिए, मतलब 80 ग्राम आप ले सकते हैं एक टंकी के लिए। तो ये ढक्कन जो है 50 ग्राम की है, तो इसलिए हम इसको उस हिसाब से, इसमें लिखा हुआ है तो उस हिसाब से हम इसको माप लेते हैं और माप के इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए इसमें हमने डाल दिया है लगभग 35 से 40 ग्राम। अब इसमें पानी डाल देना है और पानी डाल के तीनों चीज़ों में आपस में मिक्स हो जाएंगी अच्छे से। पानी डाल के इसको आपको रात भर के लिए रख देना है, चाहे आप ढक के रख सकते हैं या ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात भर रखने के बाद सुबह इसको छानना है। आप अगर रात को ना रखें तो सुबह भी रख सकते हैं, बना के रख दीजिए और शाम टाइम छिड़काव कर दीजिए 7 से 8 घंटे बाद अच्छे से। ये देखिए हमने सुबह इसको ये इस तरीके का हो गया है। अब इसको हमको छान लेना है। कपड़े का यूज़ करें ज़्यादा अच्छा रहेगा छानने के लिए, महीन कपड़ा हो, क्योंकि पानी इसका जो हिला के और आराम से इसको छान सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप टंकी में भर सकते हैं। ये पानी छानने के बाद इसको हम पूरा छान लेते हैं। ये देखिए अब डंडी की सहायता से इसको हम हिला देंगे तो ये सब छन जाएगा इसी में, और जो बचेगा उसको हम ऐसे निचोड़ लेंगे। ये देखिए चूना बच गया है जो हमने भिगोया था, और इसमें एकदम दूधिया कलर का पानी हो गया है। तो चलिए अब इसको हम आधी टंकी पानी भर लेते हैं। तो देखिए हमने ये आधा यहाँ तक पानी भर लिया है। अब आपको ले चलते हैं हम खेत में अपने, जहाँ हम इसका स्प्रे करने वाले हैं। तो चलिए खेत चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये है नर्सरी हमारी, अब इसमें हम छिड़काव करेंगे। ये देखिए बहुत ही पीली निकली है इसकी जो नर्सरी पौध निकल रही है, बहुत ही पीली है, बहुत कमज़ोर दिख रही है। जबकि इसमें हमने डाला था फर्टिलाइज़र जो DAP का इस्तेमाल किया था इसमें, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनको टेम्परेचर के हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो उसको उनको डालना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए अब हम इसको स्प्रे कर देंगे। जब बरसात होने लगती है, अगर उस समय आप नर्सरी बोएंगे तो बिल्कुल भी ये समस्या नहीं आती है, लेकिन जब तक बरसात नहीं होती, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस समय यह दिक्कत आ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए ये फार्मूला जो आपको हमने बताया है बहुत ही कारगर है। और ये देखिए इस तरीके से हम इसको स्प्रे कर देंगे
बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि जो बस आप मात्रा का ध्यान रखिएगा, जो हमने मात्रा बताई है उसको आप ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी फसल बहुत ही कम खर्चे में, मतलब 25 से 30 रुपए में ही काम हो जाएगा, क्योंकि आप जो जिंक लाएंगे वो बहुत दिन चलेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज 4 दिन के बाद नर्सरी देखिए हमारी, वही नर्सरी कितनी अच्छी हो गई है, कितनी हरी हो गई है, और इसकी बढ़वार भी अच्छी हो रही है, क्योंकि यूरिया जो 75 ग्राम यूरिया हमने मिलाई थी वो यूरिया का कमाल है ये, और बाकी हरापन भी दूर, बिल्कुल से जो पीलापन था वो दूर हो गया है, और कहीं कहीं पर देखिए ये अभी हल्का हल्का पीलापन रह गया है, क्योंकि अभी 4 दिन ही हुआ है, इसलिए ये थोड़ी सी अभी बची है, जहाँ पर ज़्यादा थी तो ये भी 2-3 दिन के बाद गायब हो जाएगी। मतलब एक हफ्ते में आपकी नर्सरी बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी, बिल्कुल भी कुछ भी शिकायत नहीं रहेगी, ये फार्मूला इतना अच्छा काम करता है। और जो आप चिलेटेड जिंक लाए थे, जो लाएंगे वो आपके धान की जो रोपाई करेंगे उसमें भी काम कर जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस वही ख़रीदना है, बाकी 3-4 रुपये का आप चूना खरीद लेंगे तो वो बहुत पर्याप्त हो जाएगा, और यूरिया भी 2-3 रुपये की लगेगी आपकी, तो कोई और एडिशनल खर्चा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर किसान भाइयों इससे कुछ आपको हेल्प मिलती है आप इसका अपने खेत में यूज़ करिएगा, और यूज़ करने के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आप बिल्कुल इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।